देख सकते हैं यहाँ पे मैंने हिंदी में लिखा और भाई कैसे हो, और ये मुझे हिंदी में स्मार्ट रिप्लाई यहाँ पे मुझे सजेस्ट कर दिया, बढ़िया ठीक ठीक पे कर दिया। एंड अगर अब आप व्हाट्सएप जाकर चेक करेंगे तो यहाँ पे वो मैसेज जा चुका है, देख सकते हैं। आप सभी को पता चल गया होगा कि एंड्रॉयड 10 में एक लेटेस्ट अपडेट आई है, वो है स्मार्ट रिप्लाई का। आप उस फीचर को आप किसी भी स्मार्टफोन में, जी हाँ दोस्तों, किसी भी स्मार्टफोन में कैसे ला सकते हैं, आज मैं आप सभी को यही बताऊंगा। तो उससे पहले आप इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और इस घंटी को ऑन कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ध्यान रखिएगा, आपको इसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है और आपको स्मार्ट रिप्लाई नहीं मिल पाएगा आपके अपने किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में। इस एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक मैंने नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा साइन इन विद गूगल, इस पे क्लिक करना है और आप अपना कोई भी गूगल अकाउंट को सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला को सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू करके इसे ऑन करना है। कुछ परमिशन को ऑन करना है तो फटाफट से हम इसे अलाउ कर देते हैं। ये देखिए सारा कुछ हमारा डन हो चुका है और ये हमारा एप्लीकेशन ऑसम तरीके से काम करने के लिए रेडी हो चुका है। तो अब मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करके दिखाता हूँ, टेक्स्ट मैसेज करके दिखाऊंगा क्या ये अच्छे से काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हाय, ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे बहुत सारे रिप्लाई मुझे ये ऐड करके दे दिया। मुझे जो भी पसंद होगा वो मैं टिक करके इसे भेज सकता हूँ, जैसे कि हाय हाउ आर यू व्हाट्सअप यहाँ पे है, मैं ये फर्स्ट वाला सिलेक्ट किया एंड मैं इसे सेंड कर दिया एंड मुझे यहाँ पे व्हाट्सअप पर ये मैसेज चला भी गया। ये देखिए मैंने व्हाट्सअप ओपन किया एंड देख सकते हैं यहाँ पे वही मैसेज चला भी गया। तो इस तरीके से आप अगर व्हाट्सअप को ओपन भी नहीं करेंगे, सीधा आप नोटिफिकेशन पैनल से इस मैसेज को रिप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं आपको और टेस्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने नोटिफिकेशन ऑन किया है, यहाँ पे मैं फिर से भेजता हूँ हेलो, ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे बहुत सारे और भी ऐड करके दे दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया है यस, फिर यहाँ पे मैं भेजता हूँ कैसे हो। दोस्तों ये हिंदी में भी आपके मैसेजेस को रिप्लाई करेगा। ये देखिए मैंने लिखा कैसे हो, यहाँ पे देख सकते हैं बढ़िया ठीक ठीक हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं ठीक हूँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ या फिर कस्टम भी आप लिख सकते हैं, ठीक हूँ पे मैंने यहाँ पे भेज दिया। अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो यहाँ पे हिंदी में भी ये मैसेज भेजेगा कैसे हो। ये देखिए मैंने हिंदी में वहाँ से मैसेज लिख के भेजा, ये मुझे हिंदी में रिप्लाई यहाँ पे ऐड कर दिया, बढ़िया ठीक हूँ और कुछ नहीं, बढ़िया पे मैंने भेज दिया, ये चला गया। और यहाँ पे लिखूँगा कि कहाँ पर हो, देखिएगा ये मैंने लिख के भेज दिया कहाँ पर हो, वो यहाँ पे सजेस्ट कर देगा घर पे, है ना। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में स्मार्ट रिप्लाई वाला फीचर ऐड कर सकते हैं व्हाट्सएप के लिए, फेसबुक के लिए और टेक्स्ट मैसेज के लिए भी। तो चलिए मैं टेक्स्ट मैसेज का भी आपको रिप्लाई करके दिखाता हूँ। फिलहाल दोस्तों ये टेक्स्ट मैसेज के लिए सजेस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन व्हाट्सएप के लिए ये परफेक्ट काम कर रहा है और आजकल कोई भी टेक्स्ट मैसेज को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, व्हाट्सएप के लिए ही करता है। तो व्हाट्सएप में ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। फिर से मैं आपको टेस्ट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने व्हाट्सएप पर खोला, ये देखिए व्हाट्सएप के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है। यहाँ पे मैं हाउ आर यू सेंड कर दिया एंड अब मैं आपको व्हाट्सएप ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए जो जो हमने चैटिंग किया था सारा कुछ यहाँ पे ये आप पढ़ सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप अपने किसी भी स्मार्टफोन में स्मार्ट रिप्लाई का फीचर ऐड कर सकते हैं जो अभी अभी एंड्रॉयड 10 में अपग्रेड हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को ऑन कर दीजिएगा।